मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सुबह के बज गए हैं 7 और आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, इसलिए मैं बाहर आ गई थी थोड़ी देर के लिए। नोनू और गुड़िया दोनों अभी सो रहे हैं क्योंकि आज संडे है तो वो देर तक सोएंगे। आज उनको उठाएंगे थोड़ी सी लेट, तो देखते हैं कितनी देर में उनको उठाते हैं। और आज कुछ स्पेशल प्लान है उनके लिए, उनको बताया नहीं है, तो बने रहिए और आप भी देखिए आज क्या सरप्राइज है उनके लिए। सुबह होते ही जब भी कैंडी को मौका लगता है ये मेरे पास आकर बैठ जाता है, और उसके बाद ये दोनों कैंडी और ब्राउनी अपने मस्ती करने लग रहे हैं अभी, क्योंकि नोनू और गुड़िया दोनों उठे नहीं हैं। हर संडे को मेरे यहाँ पे माली आता है तो वो सारे पौधों की थोड़ी सी खोदी वगैरह निकाल देते हैं, कुछ कटिंग करनी है वो सब काम कर जाता है। तो आज क्योंकि संडे है तो आज आया हुआ है मेरा माली और सारी ट्रिमिंग कर दी है इसने। साथ ही संडे को गाड़ी वॉश करने के लिए भी भैया आते हैं, तो उनका काम दोनों गाड़ियों को साफ़ करके चमकाना है। आज वो अपने इसी काम पे लगे हुए हैं और ये दोनों गाड़ियाँ इन्होंने साफ़ करके चमका दी हैं। अब इनको पहुँच रहे हैं और वापस पार्क कर देंगे अंदर इसको खड़ी। जैसे ही गाड़ी देखकर अंदर आई हूँ तो देखा है कि गुड़िया उठी हुई है और कैंडी उसके पास ऊपर बैठा हुआ है, और कैंडी बैठा हो ब्राउनी ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब मैंने बोला नोनू को उठाने चलते हैं, तो कैंडी फटाफट से मेरे साथ चल पड़ा नोनू को जगाने के लिए। नोनू कह रहा है आज सोने दो, संडे है, पर कैंडी का पूरा इंटरेस्ट है कि मैं इसको उठा दूं। और कैंडी जब इसको उठाने लग रहा है तो ब्राउनी भी यहाँ पे ज़रूर पहुँच जाएगा, ये तो सेट है, और ये दोनों मिलके इसको उठा रहे हैं, पर अभी नोनू का उठने का कोई मूड नहीं है। मुझे एक और ज़रूरी काम होता है, वो है कैंडी और ब्राउनी को नहलाना। ये आज मैं पहले ब्राउनी को नहला रही हूँ क्योंकि ब्राउनी के बाल थोड़े गहरे ज़्यादा हैं, इसलिए उनको सूखने में टाइम लगेगा। ब्राउनी को नहाना कम पसंद है, पर फिर भी मैं उसको ज़बरदस्ती नहला देती हूँ हर संडे को। अब ये मैंने ब्राउनी को अच्छे से नहला दिया है और इसको मैं टॉवल से पोंछ रही हूँ ताकि इसके बाल जल्दी सूख जाएँ। और ये सब करने के बाद अब आएगी कैंडी की बारी। अब मैंने कैंडी को नहलाना शुरू कर दिया, और कैंडी को नहाना बहुत पसंद है, ये बहुत इंजॉय करता है जब इसको नहलाते हैं, इसको पानी में रहना बहुत पसंद है। तो अब मैं कैंडी को नहला रही हूँ, एक्चुअली इसके बालों का कलर लाइट है तो ये बहुत जल्दी मैले हो जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के नहलाना पड़ता है। और अब ये कैंडी नहा लिया है बहुत अच्छे से, तो उसके बाद ये पाइप के साथ थोड़ी देर खेलता है। नहाने के बाद कैंडी को मैंने वैसे ही अच्छे से टॉवल से पोंछ दिया ताकि इसके बाल जल्दी से सूख जाएं, और उसके बाद अब मैं इन दोनों के बालों में ब्रश करूंगी जिससे कि इनके बालों की सारी गांठें निकल जाएं। और सूखने के बाद ये ब्रश करना थोड़ा मुश्किल होता है और इनको पेन भी होता है, इसलिए ये काम मैं इनको नहलाते ही कर देती हूँ। एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए, सोचो कौन सी। कौन सी? आदि पुरुष देख के आएंगे। सारा काम करने के बाद फाइनली हो गया है लंच का टाइम, और लंच में आज बना रहे हैं अरबी की सब्जी। ये मैंने अरबी बारीक काट रखी है और मैं अरबी की बना रही हूँ आज सूखी सब्जी। फाइनली हम रेडी हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं आदि पुरुष देखने के लिए। बच्चों को जब बताया था तो उनके एक्सप्रेशन ज़्यादा अच्छे नहीं थे और रिव्यू भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है न्यूज़पेपर में। बाकी आज देखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कैसी है एक्चुअल में आदि पुरुष। आज मैंने और गुड़िया ने ट्विनिंग की हुई है, जो हम रेड टेप से लेके आए थे आज हमने वही पहना है दोनों ने सेम। तो चलते हैं आदि पुरुष देखने के लिए, अपनी सवारी तैयार है। Thank you.
जैसे ही हम अंदर पहुंचे हमने देखा आज बहुत ज़्यादा रश है। संडे की वजह से शायद इतना ज़्यादा रश था। टिकट हम ऑलरेडी मॉर्निंग में ऑनलाइन बुक करवा चुके थे, इसलिए रश से हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वेटिंग एरिया में थोड़ी देर के लिए हमें वेट करनी पड़ी। ये हम वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं, अभी एंट्री शुरू नहीं हुई है, अभी 5 मिनट रह रहे हैं एंट्री में। तो अंदर वहाँ जहाँ खड़े हुए थे वहाँ थोड़ी गर्मी लग रही थी, तो यहाँ फैन चल रहा है, तो इसलिए सोचा यहीं बैठ जाते हैं। फाइनली एंट्री शुरू हो गई है और ये पहले वाले शो के लोग निकल के आ रहे हैं। हम ऑडी के अंदर पहुंच गए और मूवी हो गई है ख़त्म। अब हम वापस घर के लिए निकल दिए। हस्बैंड पार्किंग में से गाड़ी लेकर आ रहे हैं और अब हम चल पड़े हैं घर की तरफ। अब हम घर पहुंच गए और जैसे ही पहुंचे देखा प्रेस के कपड़ों की गठड़ी रखी हुई थी और कैंडी ब्राउनी एज़ यूजल हमारी वेट कर रहे थे। यहाँ पे घर पे अकेला बैठा हुआ था, इसको मजा नहीं आया क्योंकि हम आदिपुरुष दिखाने इसको लेके नहीं गए हैं। अच्छी मूवी लगी, देखी जा सकती है, बार बार तो नहीं देखी जा सकती, एक बार तो देखी जा सकती। ये नोनू और गुड़िया दोनों पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि शाम को मूवी देख के आए थे। मूवी के बारे में कैसा रिव्यू है तुम्हारा, कैसी लगी? अच्छी थी लेकिन पता नहीं लोगों ने उसकी रेटिंग अच्छी क्यों दी। मूवी कैसी लगी नोनो? मैं वो तो काफी अच्छी लगी, पसंद आई। यू कैन वॉच वंस अगेन, देख सकता है दोबारा। और तू? वंस अगेन तो हाँ, एक ही बारी में काम चल जाएगा। बारी बारी देख के फिर स्टोरी का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। सो रात के बज गए हैं 9 और नोनो और गुड़िया पढ़ाई कर रहे हैं और मुझे आ रही है नींद क्योंकि आज दोपहर को सोए नहीं। मेरे पेज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिए। यूट्यूब पे मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर लिखिएगा ताकि कुछ चेंजेस आप चाहते हैं वो मैं करूं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।